Once again, I have been with you, and again, my friend, there is a he's a doctor, and Dr. Ankit Gupta, he belongs to Kanpur, and he is buying his new sedan. And this sedan is, yes, you have gotten to know that this is the Volkswagen, and this Volkswagen ameo, obviously this is the compact sedan which recently launched before 3 years. And why just we have chosen, because there was the only need of the sedan, and by profession he is the doctor, so obviously he needs some little bit professionalism, and which can be gotten in the sedan. Actually he was going to buy the Hyundai Verna, but because of our suggestion he did not buy, and we have given him suggestion to buy the Volkswagen. There are few reasons to buy the Volkswagen if any person needs the professionalism, because the rush at the service center, and the quality and the service, and the, you know, the performance of the Volkswagen, obviously it is far better than any other company. And if I talk about the build quality, so obviously this is very solid. Means I am pressing my, I am using my full thumb to press it, but the build quality you can see, and very very well known the build quality of the Volkswagen. तो बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही खुशी की बात है कि आज एक Volkswagen की गाड़ी हमारे मित्र ले रहे हैं, जो हमारे recommendation के बाद में है. और जहाँ तक हम इसकी बात करते हैं, तो देखिए सबसे अच्छी चीज़ इस Volkswagen की इस sedan में आपको मिलेगी वो है इसकी pricing की. पहले हम बात कर लेते हैं इसकी pricing, जो अराउंड है 10 lakh to 10 lakh 50 thousand rupees as per different, as per city it can be vary. और इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें 16 inch की LI आपको दी जा रही है, जो कि आप रीड कर सकते हैं. ये 16 inch की अभी जल्दी के मॉडल में लॉन्च हुई है, और 16 इंच की इसमें एलआई दिए जा रहे हैं. साथ ही साथ ड्यूल बैरल, ये आपके प्रोजेक्टर हेडलाइट्स तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन लाइट वही पोलो की. और Volkswagen की सबसे अच्छी चीज़ जो आपको मिलेगी वो है कि इसके मॉडल्स कहीं 5-6-7 साल बाद एक चेंज होते हैं, और इसमें कोई भी अपडेशन नहीं आता, लिटिल बिट कॉस्मेटिक्स चेंज आते हैं. तो मैं खड़ा हूँ इस समय Volkswagen के शोरूम, जो कि विराज खंड लखनऊ गोमती नगर में है. और इस गाड़ी में सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने बताया है वो ये है कि इस गाड़ी में बिल्कुल भी कूलेंट बार बार डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ये तो इसमें जो कूलेंट पड़ता है वो कूलेंट लाइफ टाइम चेंज नहीं होता. बाकी जो आप इंजन की बात जानते ही जानते हैं, 1500 सीसी का इंजन दिया हुआ है, और जो काफ़ी सॉलिड परफॉर्मेंस देता है. परफॉर्मेंस के मामले में जो भी ड्राइवर मतलब ड्राइविंग प्लेजर वाले लोग हैं वो ऑब्वियसली पसंद करते हैं Volkswagen की पोलो, और उसी की एक कॉम्पैक्ट सेडान यहाँ पर आई हुई है. मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी की डैशबोर्ड को. आप इसके डैशबोर्ड को देख सकते हैं, हालांकि ये जो आपका डैशबोर्ड, जैसे कि मैंने ऑन किया, टच स्क्रीन इसमें दिया जाता है वो है लगभग 6 इंच का. और इसके साथ साथ हम इसके टच स्क्रीन की बात करें, ऑटो एसी दी हुई है, टच स्क्रीन दिया हुआ है. इवन आप ग्लोब बॉक्स देखेंगे तो एक कूल्ड ग्लोब बॉक्स, और जिसकी मैसिव साइज का कूल्ड ग्लोब बॉक्स है, जो कि बहुत ह्यूज है. और ये इतना बड़ा ग्लोब बॉक्स आपको जल्दी एसयूवी में नहीं मिलता है. और ये IRVM दिया हुआ है, ऑटोमेटिक ये आपका डिम होता है. इसके साथ साथ आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर मिल जाएगा, और जो अच्छी चीज़ मिलती है वो यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल, उसके साथ साथ यहाँ पे कॉल्स के हैं. और मैं आपको बता दूं कि इकलौती ऐसी आपको कॉम्पैक्ट सेडान मिलेगी इस रेंज में, मतलब 10 लाख रुपए तक के रेंज में, जिसमें आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है. ये क्रूज कंट्रोल देने वाली गाड़ी है आपकी, इकलौती है. तो इसका एक रीज़न था. और आपको बता दूं कि क्रूज कंट्रोल अगर आप लोग ड्राइव करते हो, तो एक रिकमेंडेशन दूंगा कि अगर आप लोग गाड़ी बाई कर रहे हो तो क्रूज कंट्रोल ही बाई करिएगा, क्योंकि इससे माइलेज बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है. मैंने जैसे अभी अपनी लास्ट वीडियो डाली है इको स्पोर्ट की, उसमें आपने देखा होगा, उसमें जो माइलेज जा रहा है वो इतना बढ़िया जा रहा है. 2021 का माइलेज मेरे को दिखा रहा है मॉनिटर. इसमें 2 किलोमीटर कम कर लेते हैं तो भी मैं आपको बता दूं कि क्रूज कंट्रोल पे आपको माइलेज जो होता है वो बढ़ के मिलता है, क्योंकि कॉन्स्टेंट स्पीड पे आप गाड़ी चलाते हो लगातार, तो उससे आपको काफ़ी बढ़िया आपको मिलता है, एक माइलेज आपको मिल जाता है. ये डीजल गाड़ी है तो इसका जो माइलेज मेरे को अराउंड आना चाहिए 110 PS का इसमें आपको इंजन मिल जाएगा, तो काफ़ी मेरे को माइलेज मिलता है, वो 20 प्लस ही मिलेगा. कारण है एक कॉम्पैक्ट सेडान है, और क्रूज कंट्रोल पे अगर हम चलते हैं तो नहीं, तो मेरे को जो माइलेज मिलेगा वो 18 से 22 के बीच का मिलेगा. और अगर हम साउंड की बात करते हैं तो वॉल्यूम इसका यहाँ पे टच स्क्रीन काफ़ी रिस्पॉन्सिव, एक पॉलीथीन की लेयर भी बनी हुई है, तो काफ़ी ठीक है, टच रिस्पॉन्सिव है, कोई दिक्कत नहीं है. और मैं गाड़ी की परफॉर्मेंस, कल हमने इसका टेस्ट ड्राइव लिया, तो टेस्ट ड्राइव लेने के बाद में गाड़ी काफ़ी हमको बेहतर लगी, क्योंकि जो चीज़ हमें सबसे अच्छी चीज़ इसमें लगी वो है गाड़ी की बैलेंसिंग. मतलब अगर आप 60 पे चल रहे हैं और
टर्न आपको ब्रेकिंग करनी हो तो गाड़ी आप स्टेयरिंग छोड़ करके नॉर्मल आप स्टेयरिंग छोड़ दीजिए, कभी टेस्ट ड्राइव लीजिएगा स्टेयरिंग छोड़ दीजिए और उसका अचानक से ब्रेकिंग करिए, गाड़ी आपकी हिलेगी नहीं, मतलब आपको ये ऐसा नहीं लगेगा कि गाड़ी जो है वो आपकी हिल गई है या किसी तरीके से डिसबैलेंस हो रही है। तो ये चीज़ आपको फोक्सवैगन में देखने को मिलेगा। बस दो तीन कमियाँ आ रही है, जैसे पुश स्टार्ट बटन नहीं देती है, अभी थोड़ा सा अपग्रेड करना ज़रूरी है और किसी दिन अपग्रेड आएगा वो चीज़ हो जाएगा। दूसरी बात, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स की रिक्वायरमेंट इसमें थी, बाकी चीज़ें तो फार बेटर है, बहुत बेहतर है। बिल्ड क्वालिटी की सबसे अच्छी चीज़ है फोक्सवैगन की, जर्मन टेक्नोलॉजी है, परफॉर्मेंस कार है और उसमें कोई शक नहीं है। और एक सबसे अच्छी चीज़ है कि इसकी जो आपके ये कीलेस, ये जो रिमोट दिए हुए हैं, ये रिमोट से ही अगर आप गाड़ी को लॉक करते हैं और अचानक से मान लीजिए कि आपकी कोई शीशा पीछे पैसेंजर का या फ्रंट में ड्राइवर को ड्राइवर का खुला हुआ है, तो ऑटोमेटिक आप उसको लॉक कर सकते हैं सिर्फ रिमोट से ही, और अनलॉक भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं रिमोट से ही। तो सेफ्टी के रूप से आप काफ़ी अच्छी इस गाड़ी को मानेंगे। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो साइज़ जो है मेरे को वो ठीक मिलता है, लगभग लेगरूम भी ठीक है, टिल्ट स्टेयरिंग इसमें मुझे मेरे को दी हुई है, तो और ग्लोव बॉक्स भी यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपको ग्लोव बॉक्स अभी पैक्ड है, ये ग्लोव बॉक्स मेरे को इसमें मिल जाता है। और हैंडरेस्ट का भी काम करता है, आप चाहें तो उसको वैसे बंद कर सकते हैं या फिर चाहें तो ऐसे खोल सकते हैं, हैंडरेस्ट का भी ये काम करता है। इसमें ग्लोव बॉक्स है, छोटी मोटी चीज़ें मोबाइल वैलेट टाइप की चीज़ें इसमें आ सकती हैं, डोर्स में आपकी बोतल रखने की जगह है, 1 लीटर की बोतल आ सकती है। साउंड क्वालिटी भी इसका ठीक है। और अगर हम जाते हैं, एक मिनट में सुनाता हूँ आपको कोई गाना, अभी रेडियो पर साउंड क्वालिटी तो बहुत अच्छी नहीं आएगी, लेकिन जो टेम्परेचर इसका जाता है वो 17.5 डिग्री पे ही जाता है, लेकिन हवा का जो प्रेशर है वो आप सुन सकते देख सकते हैं। गाड़ी की आप ब्राइटनेस लाइट की देख सकते हैं, आपको दिखाता हूँ, अभी भेजता हूँ। और ये है गाड़ी की आप लाइट देख सकते हैं, इवन काफ़ी लाइट है, फिर उसके बाद गाड़ी की विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, लाइटिंग। पीछे की सीट पे आपको बैठा करके दिखाता हूँ, फैमिली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, चूँकि गाड़ी होती है ना, और गाड़ी जब आती है तो खुशियाँ ज़्यादा हर सी बात आती है। पीछे की सीट पे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे एसी वेंट, साथ ही साथ बॉटल होल्डर और लेग रूम ठीक है, जैसे मैंने अपनी हाइट के हिसाब से सीट एडजस्ट किया हुआ है। और थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को ये एंकल फंसता है, लेकिन नीचे सीट पर रखने की जगह है, पर ये एंकल थोड़ा सा फंसेगा, उसकी दिक्कत है। हाइट मेरी जो है वो 6 फुट की है, तो मेरे को 1 इंच की इतनी सी जगह मेरे को बचती है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इतनी सी जगह मेरी बच रही है, मतलब लगभग 2 इंच की जगह बच जाती है, बाकी तो ठीक है, 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। और ये जो इसका ये टनल है ये बहुत बड़ा होता है, तो इसमें पैर रखने की जगह थोड़ा कम हो जाती है, और ये चीज़ दिक्कत करती है 3 लोगों के लिए। सबसे चीज़ बताऊँ आपको इसमें आए हुए क्या है, ये आप यहाँ पर एक बटन देख रहे होंगे, ये देखिए, ये दोनों साइड बटन दी हुई हैं, ये बटन जैसे आप इसको प्रेस करके नीचे खींचेंगे ना, एक लौती सेडान है जिसका बूट बोर बड़ा हो जाता है, मतलब आप इसकी सीट को फोल्ड करेंगे और सीट फोल्ड करने के बाद में इसका जो बूट है वो और बड़ा हो जाएगा, आप इसके काफ़ी और डीप कर सकते हैं। दिखाता हूँ कैसे, ये दिया हुआ यहाँ पर आपका पार्किंग कैमरा, जिसमें आपका सेंसर और पार्किंग दोनों दिए हुए हैं, और ये है इसका बूट, काफ़ी मैसिव बूट है, मतलब कॉम्पैक्ट सेडान के हिसाब से अगर आप देखें तो काफ़ी मैसिव बूट है। और ये सीट जो है ना, आपको बस खाली पीछे से वो हुक उठा करके जो मैंने दिखाया इसको प्रेस करेंगे, पूरी काफ़ी लंबी आपको 600 लीटर का बूट स्पेस आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये तो चौड़ा नहीं होता, ये जो आपका है ये चौड़ा नहीं होता है, ये और नहीं होगा, लेकिन अंदर आपको काफ़ी डीप बूट स्पेस मिल जाएगा। और ग्राउंड क्लियरेंस जो इसकी है वो है 170 mm, 5 पैसेंजर के साथ 165, लेकिन ऐसा व्हील बेस और ऐसी इसकी चेसी डिज़ाइन की गई है कि आपको जरा सा भी नीचे से जर्क नहीं पता चलेगा। मैंने कल टेस्ट ड्राइव लिया और मुझे पता चला, हालांकि मेरी गाड़ी ये पसंदीदा थी, लेकिन हमने इसको आज प्राथमिकता दिया, और इसलिए क्योंकि थोड़ी सी सर्विस कॉस्ट की जो है वो ज़्यादा आती है, क्योंकि फोक्सवैगन है, जर्मन टेक्नोलॉजी है, इसकी जो सर्विस कॉस्ट है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और ज़्यादा सर्विस कॉस्ट होने पे हम लोगों को नॉर्मल कस्टमर्स को दिक्कत होती है, पर जिसको जो ड्राइविंग फन शौकीन हैं, जो ऑलरेडी फोक्सवैगन यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए और काफ़ी ज़्यादा नहीं, क्योंकि 15,000 किलोमीटर पर आपकी गाड़ी की सर्विस होती है, और 15,000 किलोमीटर पर सर्विस हो रही है और उसके पहले कोई सर्विस आपकी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये बेहतर है, ज़्यादा नहीं जाएगी सर्विस कॉस्ट, अराउंड 8 to 10,000 rupees अप्रॉक्स जाती है, और किसी किसी की तो 7,000 में ही हो जाती है। तो ये तो आपकी गाड़ी की ड्राइविंग क्वालिटी और गाड़ी के पार्ट्स कितने ख़राब हो रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। बाकी अभी मैं आपको वीडियो देता हूँ, क्योंकि अभी हमारी ये गाड़ी की स्पेसिफिकेशन थोड़ा सा मैंने बता दिया, बाकी सारी चीज़ें एज यूजुअल हैं जो आपकी गाड़ियों में नॉर्मल होते ही होते हैं। कुछ अगर आपको और पूछना हो गाड़ी के बारे में तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर के। गाड़ी की डिलीवरी की वीडियो में अभी आपको बस 10 मिनट में देता हूँ।
बैक प्रोफाइल विथ एल्यूमिनेशन, बैक लाइट है, उसके साथ में आप गाड़ी के रियर प्रोफाइल देख सकते हैं। थोड़ा सा सिंपल है, सोफिस्टिकेटेड है, लेकिन बेहतर तो मज़ेदार गाड़ी। वीडियो में देता हूँ फोटो। और ये हुई गाड़ी से, हाय बायर, बोथ बायर। अब निकलेगी गाड़ी शूम। और ये है दूसरे वायर जिसमें सारा क्रेडिट इनका है, सारा क्रेडिट इनका है। इनको देख लीजिए, चाय पीने के शौकीन, सारा क्रेडिट इनका। सुबह से दौड़ दौड़ के सारा काम कराना, सारी चीज़ें। डिलीवरी अभी हो रही है, सोचो आप, टाइमिंग हो रहा है 9 और अभी डिलीवरी हो रही है। कारण ये है फोक्सवैगन, थैंक्स टू फोक्सवैगन लखनऊ, क्योंकि इतने टाइम पर डिलीवरी होना, हमने सडन प्लान बनाया आज दोपहर में और गाड़ी की डिलीवरी हो रही है। तो ये जा रही है नीचे और वहाँ पे खड़ी हो तिरछी टुगुआन। और ये हमारी खड़ी है नई। अब यहाँ पर हम लेंगे चाबी, क्योंकि अंदर से चाबी लेकर के आना, वो जो गाड़ी के वैले होते हैं वो लेकर के आते हैं, मैं यहाँ लूँगा। ये है माता जी भैया की और इनकी और हो रहा है ये गाड़ी की डिलीवरी। ये है अमियो फैमिली। वीडियो बना रहा हूँ, एक मिनट ना।